शिवपुरी कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र सीएम से की स्थायी रोजगार प्रदान करने की मांग। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों ने मुख्यमंत्री के नाम शिवपुरी कलेक्टर को आवेदन देकर स्थायी रोजगार प्रदान करने की मांग की है। जनसेवा मित्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण द्वारा प्रदेश में 9,300 मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों की भर्ती की गई थी, जो प्रशासन व नागरिकों के बीच सेतु का कार्य कर रहे थे। सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करते थे, जैसे लाडली बहना योजना, मतदाता जागरूकता अभियान व आदिवासी आहार अनुदान जैसे तमाम योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पंचायत में ग्राम सेवक व सचिव हड़ताल पर थे, उस समय जनसेवा केंद्र मित्रों ने कार्य किया, परंतु वर्तमान में सरकार ने बिना कुछ कारण बताए हमारी सेवाओं को समाप्त कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनसेवा मित्रों को स्थायी करने की घोषणा की गई थी। हम सभी अपने कार्यों को छोड़कर इस क्षेत्र में आए थे। इस विश्व की सबसे बड़ी इंटर्नशिप थी, परंतु किसी को भी आज दिनांक तक प्लेसमेंट या नौकरी नहीं मिली। अब सेवा समाप्ति के बाद 9,300 जनसेवा मित्रों के समक्ष रोजगार व रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। से जनसेवा मित्र है सर, 9,300 जो मध्य प्रदेश में नियुक्त किए गए थे आज से 31 जनवरी 2023, और उन्हें हर विकासखंड से 15 लोगों की नियुक्ति हुई। एक्सटेंशन सर सर 6 महीने का था, 6 महीने और बढ़ गया तो सर 1 साल हो गया। टोटल 9,300 जनसेवा मित्र हैं। सरकार जो वर्तमान सरकार के कारण उन्होंने काम किया, लाडली बहना ने उनका साथ दिया, तो शिवराज सिंह मामा जी थे, उन्होंने बोला था कि हम आपका मतलब साथ, हम आपके आपके भविष्य की चिंता करेंगे, आप काम करिए हमारे साथ। तो हमने साथ मामा जी दे रहे, मामा जी हमारे माता पिता आए, तो हमने उनके साथ भी ज्ञापन लेके गए उनके पास भी, तो उन्होंने हमारी भी सुनवाई नहीं करी। और हमारा जो नियुक्ति था उन्होंने बोला कि हम आपको और बढ़ा देंगे, आपको स्थायी रोजगार दे देंगे जैसे हमारी सरकार आई है, लेकिन सर मामा जी की हाजिर कोई हाजिर कोई गवर्नमेंट।